अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल है? ठीक है आप सब? तो चलें जी, यहाँ शेप्स मेकिंग करने लगे हैं। मड की इतनी रिक्वेस्ट थी कि आपने इसकी शेप्स मेकिंग करनी है, इसकी सीमेंट की टेक्सचर जब रीन्यू करना है उसकी, तो मैंने कहा चलें इब्तदा करते हैं यहाँ। वैसे भी एक सरप्राइज़ व्लॉग आएगा इंशाल्लाह ताला, एक दो दिन तक सोचा था आज बनाऊँगी लेकिन आज भी नहीं आ सकेगा वो। मैं आएगा मेरा घोला सिमर वाले चैनल पर, तो वो ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है वो, तो इंशाल्लाह आपको उसका इंतज़ार रहेगा। आपके साथ मुझे भी वैसे इस व्लॉग का बहुत इंतज़ार है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आएगा। अब इसकी हम यहाँ शेप्स में किक करते हैं, तो चलें जी यहाँ इसकी होगी शेप्स मेकिंग। ये काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर है लेकिन ये प्योर होना है ना, क्योंकि ये सीमेंट की तरह बनाना है, तो इसको हमने वैसे नहीं डालना जैसे आप पहले मड बनाते हैं। मैंने कहा ऐसे भी ट्राई करके देखते हैं, हार्ड ना हो जाए, पानी इसमें बहुत कम डलेगा। नहीं सीमेंट नहीं डालना इसमें, इसमें खुद ही हार्ड होना है। मेरा तो बट्टा है। फर्स्ट टाइम ऐसे बनाने लगे, मैंने पहले एक दफ़ा बनाई थी जब मेरा वो नीचे होता था वर्क प्लेस रूम के अंदर, तब मैंने बनाई थी, तो इतनी सॉफ्ट थी वो उठाते ही टूट जाती थी। तब ये जो रेड क्यून वाला है ना, हमारे पास फार्मूला नहीं था, लेकिन अब मेरा फिर दिल करे मैं वैसे बनाऊँ, देखते हैं क्या बनता है। का साउंड नहीं होना मिक्सिंग में। अच्छा ये जो इसके बनना है इसमें कुछ भी और सीमेंट वगैरह कुछ ऐड नहीं किया, ये ओनली मड है जो मिट्टी होती है ना वो है। इसकी शेप्स मेकिंग करते हैं। पर देखने में आप लोगों को लग रहा होगा कि ये ना पानी इतना थोड़ा है इसमें, तो लेकिन इसके अंदर पानी कम ही डालना है, वरना इसमें बहुत, मुझे तो अभी भी लगता है हार्ड हो सकता है, कंफर्म नहीं है। चले एक इधर ही मैं पहले उठा के देखती हूँ क्या ऐसा होता है, ये देखें। इसको ज़्यादा ज़ोर से भी टैप नहीं कर सकते क्योंकि फिर भी इसका हार्ड होने का ख़तरा होना है। चलो स्टैंड करो। चलो
चलो जी, यहाँ मेरे जूते भर चुके हैं मट्टी से। अच्छा, मैं जो नीचे पानी डाला था ना, और ये इनको ऐसे नहीं बनाना, इसको भी मिक्स करना है हमने अंदर, वरना इसने भी हार्ड हो जाना है। एक दफ़ा बना लेंगे ना, फिर आइडिया हो जाएगा ये कैसे बनाया करनी है। फिर इसमें निकालते चलो। और भी सुनी जाए इन बच्चों का। अगर ये हार्ड या सॉफ्ट नहीं तो फिर फेल ट्यूटोरियल होगा, तो अगर सही रही तो इंशाल्लाह फिर ऐसे ही मैं इनकी वीडियो बनाया करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी फेमस है, आप लोग पसंद करते हैं इसे। चलो ये फुल समानाज आपके लिए है, ट्यूटोरियल तो सबके लिए है लेकिन शेप्स मेकिंग आपके लिए। आप कहती हैं फुल क्यों नहीं करती हैं आप शेप्स मेकिंग, दो तीन बना के मैं उठ जाती हूँ। ये जो इसके लम्स हैं ना, ये भी खुद ही हो जाएंगे या तो हार्ड हो जाएंगे। इसमें पानी कम लग रहा है तो पानी हम थोड़ा सा और डाल लेते हैं। चलो फिर निकल गया। अच्छा, इसमें पानी बहुत ज़्यादा कम था, वो देखें थोड़ी टूट गई है। पानी हम थोड़ा सा और डालते हैं। इसका ना बस मिक्सिंग में थोड़ा टाइम लगता है, वरना शेप जल्दी जल्दी निकल जाती है इसकी।
तो बात करनी है। अच्छा इसमें पानी कम है और ये ड्राई भी जल्दी होना है। अच्छा मैं सोची थोड़ा पानी इस अब जो बाकी शेम थोड़ा और पानी ऐड कर लें, क्योंकि ये देखें ये अभी से मुझे लगता है सारी टूट जानी है, ड्राई होते ही ना इन्होंने टूटने की करनी है। थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं। आपकी थोड़ी सी कमी आ रही। चले सारी मिक्सिंग हो गई है, कैमरा ऑफ। क्योंकि साउंड तो मैंने कहा इसका इतना होना नहीं है, तो मिक्सिंग का क्या आप लोगों को मज़ा आना है, बस शेप्स कर निकाल लेंगे। निकाल ली उल्टे तरीके से थी मैंने। चलिए अब सही निकाल कर चलें जी। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो मैं सोच रही मेरी स्टूडेंट ही निकाल दें। आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने देखे कितनी शेप्स निकालनी है, एक और निकालते हैं और मैं बस करती हूँ। ये भी जी चलो मैं ये एक निकाल लेती हूँ। चलिए ये आपके सामने मैं निकालती हूँ, बाकी फिर हालांकि मैंने कहा था सारी मैं निकालूँगी, लेकिन काफ़ी थकन वाला काम है ये। चलें जी इसकी अब मैं थोड़ी कोई क्रम्बलिंग कर लेती हूँ इससे अच्छा, या क्या करूँ। चलिए कुछ क्रम्बलिंग कर लेते हैं। वीडियो तो आपके सामने ही है, आजकल क्या सिचुएशन है। रबाबी आप कह रही थी इसकी मिक्सिंग भी कर दें साथ ही, शेप्स मेकिंग अगर हो सके और मिक्सिंग भी, तो चलें देख लेंगे। अच्छा एक और चीज़ मैंने आप लोगों को दिखानी थी, ये स्लैब, ये स्लैब है वाला पानी कैसे गुजरेगा इधर से भी था जगह छोड़। हाँ छोड़नी थी तो इधर से गुजर जाने में, अगर ना गुजरा छप्पड़ पड़ गया सारी शेप से ये स्लैब खराब जानी है। पानी रुक जाने आके टूटी फूटी जगह फिर खराब होगी। चलो खैर है, यहाँ से देखो कि रास्ता थोड़ा बहुत हो, मगर रहने दो क्योंकि नहीं निकलना। चलें जी ये देखें स्लैब, कुछ ये कुछ वो, हमारा मिस्त्री बना रहा है स्लैब।
मिस्त्री भी घर का ही है, तो ये वही जिसकी एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है और कुछ भी नहीं किया, ये मेरी मड है। ये वो ग्रिटी वाली मड, उस दिन से ऐसे ही सोचा था इसको मैं किसी बर्तन में निकाल देती हूँ या कुछ भी, लेकिन नहीं निकाल पाया। तोड़ी है मैंने, लेकिन वो मैंने कहा था बाकी बर्तन में निकाल देते हैं। चलो सोने होने लगी है, मैं अपने व्लॉग को बस करती हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। व्लॉग क्या शेप्स मेकिंग थोड़ी सी की है और क्रम्बलिंग सोचा था करती हूँ मड की। चले ओके, अल्लाह हाफिज़।